अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक और ज़बरदस्त ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। आज हम फोटोशॉप में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स और ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऑप्शंस को कवर करें। इसे देखेंगे कि इसके क्या क्या ऑप्शन हैं और किस तरह के इसे यूज़ होते हैं, तो कम से कम वक्त में हम कोशिश करेंगे इनको कवर करने की। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि टॉप पर फाइल, एडिट, इमेज, लाइव, स्लैक, फोल्डर, व्यू, विंडो, सेल्फ वगैरह के नाम से हैं। इनको जब हम खोलते हैं तो मुख्तलिफ ऑप्शन हैं इसमें। इमेज लायर देखें तो ये मुख्तलिफ किस्म के इसके अंदर ऑप्शन आ रहे हैं हम, और इसी तरह ये टूल्स पैलेट है, इसको भी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं फाइल से। फाइल को जब हम ओपन करेंगे तो सबसे पहले जो आता है न्यू के नाम से ऑप्शन आता है। जब इसको हम कंट्रोल एन भी कर सकते हैं, तो इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक बॉक्स हमारे सामने खुलता है। ये बॉक्स खुलने के बाद इस टॉप पर इसका जो जो के फोटोशॉप का बिल्ट इन नेम है वो इस तरह टाइटल कर वन करके आता है। तो हम यहाँ पर इसका नाम चेंज कर सकते हैं। हमने ये नाम रखा कस्टम पे क्लिक है इसलिए कि हम यहाँ पर साइजेस मुख्तलिफ चेंज कर सकते हैं। ये साइजेस हैं, पिक्सल में हम चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पर इंचेस में चेंज कर सकते हैं, सीएम, मिलीमीटर, पॉइंट्स, बिकॉज जिस तरह की आपकी जरूरत है। इस तरह के आरजीबी कलर्स हैं और ग्रेस्टाइल, बिटमैप और सीएमवाई के कलर्स, लैब कलर्स वगैरह, ये मुख्तलिफ कलर्स इसमें हैं। और जो कि बैकग्राउंड कंटेंट कलर है वो वाइट है, और बैकग्राउंड कलर वाइट और एक ट्रांसपेरेंट भी है, यानी विदाउट कलर भी आप अपना जो भी है बना सकते हैं। और ये करने के बाद आप देखें डिफॉल्ट फोटोशॉप जो साइज है वो इंचेस में 7.5 आएगा। अगर हम इसको पिक्सल में देखें तो 504 बाय 360 होता है, और इसी तरह सेंटीमीटर्स, इसी तरह एमएम्स, मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। यूएस पेपर साइज है, और जो लीगल में भी है, लेटर में भी है, और टैबलॉइड में भी है। मुख्तलिफ किस्म के साइज हैं, जो जैसे आपकी जरूरत। इंटरनेशनल पेपर है, इंटरनेशनल पेपर के साइजेस को देखते हैं तो A4 का साइज है, 6, A5, A3, B5 और मुख्तलिफ साइजेस जो आप देख रहे हैं इसमें। और फोटो पे क्लिक करेंगे तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के साइजेस आते हैं। ज्यादातर ये जो फोटोग्राफर्स वगैरह है इसमें एडिटिंग के लिए तो यूज करते हैं। इसमें Landscape 2 × 3, Landscape 4 × 6 और पोर्ट्रेट के साइजेस हैं, ये मुख्तलिफ साइजेस दिए हुए हैं। ये इंचेस में है, पिक्सल्स में इस तरह आएंगे, ये इंचेस और ये पिक्सल्स। और इसी तरह फोटोज के बाद ये वेब है, ज्यादातर इंटरनेट वगैरह की फाइल को सेव करने के लिए। मोबाइल डिवाइसेस भी इसी तरह, ये साइजेस जो मोबाइल डिवाइस में फोटो वगैरह एडिट करने के लिए उसके लिए साइज। फिल्म एंड वीडियो में जब हम क्लिक करते हैं तो ये इस तरह के साइजेस मुख्तलिफ आपके पास आ जाते हैं, और जो भी आपकी ज़रूरत है आप उस हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह कस्टम फिर आ गया, जो कि अपना आपका मतलूबा साइज जो भी आप डालना चाहें। इसके अलावा आप मिसाल के तौर पर 1500 बाय 2000 रखते हैं तो इसे सेव प्रेजेंट भी कर सकते हैं, और ये सारी आल चीजें इसके अंदर शामिल हो सकती हैं। प्रेजेंट नेम भी इसको आप डाल सकते हैं, लर्निंग पॉइंट, इसको ओके करेंगे आप तो ये आपके पास नाम आ गया। और ये देखें ये अभी यहाँ पर लर्निंग पॉइंट के नाम से ये नाम भी आ गया। तो ये इसका जो भी है फाइल लेने के लिए जब हम करेंगे, हम ओके करेंगे तो इस तरह का साइज हमारे पास सामने आ जाएगा, क्योंकि हमने ये पूरा जो भी साइज दिया था उसमें लर्निंग पॉइंट भी लिखा हुआ आ रहा है। और ये इस तरीके से ये न्यू फाइल या जो भी बनती है, ओपन का तो आपको पता ही है, हर किसी सॉफ्टवेयर में होता है। ओपन पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपकी डेस्कटॉप पे या जहाँ पर भी आपकी जो भी चीज़ पड़ी है आप उसको लेकर जाना चाहते हैं उस पर। ये मैं यहाँ पर इस पिक्चर को ले रहा था, पिक्चर पे काम होता है, पिक्चर को मैंने खोल लिया तो यहाँ पे ओपन कर लिया। तो ये कोई भी चीज़ आपने ओपन करनी है, स्पेशली जो पिक्चर्स वगैरह वो यहाँ से, या जो कि फोटोशॉप फाइल वगैरह है जो कि सपोर्टेड फाइल है वो खोलेंगे तो इस तरीके से यहाँ से खुलती है। और ये ब्राउज इन
ओपन को कंट्रोल ओ के जरिए भी हम खोल सकते हैं, या इधर डबल क्लिक करने से जो इस पैलेट पे इस जगह पर सेंटर में डबल क्लिक करने से भी खोल सकते हैं। ब्राउज इन ए ब्रिज और ब्राउज इन ए मिनी ब्रिज, इसको रहने दें, रैम कम है सो जाएगा कंप्यूटर। और ओपन एज स्मॉल ऑब्जेक्ट, इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो फिर देखिएगा आप फर्क, खोलने का तरीका ये भी वही है, लेकिन आप जब खोलेंगे इस तरीके से एक नया ऑब्जेक्ट, नई विंडो आपके सामने खोल देगा, और ये इस तरीके से ये निशान आपके सामने शो होगा। देखें ये हाथ बना हुआ आ रहा है, लेकिन जब आप इस पे क्लिक, इस पे किसी और टूल पे करें, इस पे जब इसको काम करने के लिए, ज्यादातर ये इसलिए यूज होता है कि फोटो आपका स्ट्रेच ना हो, आपको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो आप शिफ्ट दबा, कंट्रोल टी दबाकर, शिफ्ट दबाकर इसको जब छोटा करेंगे तो ये अब पिक्सलेट नहीं होती पिक्चर। तो ये ट्रांसफॉर्म के बारे में हम बाद में देखेंगे। तो ये इस तरीके से खोला जाता है। ये खोलने के बाद आप देखें यहाँ पर शेयर ओपन एज स्मॉल ऑब्जेक्ट हो गया, ओपन रिसेंट यानी जो कि पिछले जो डॉक्यूमेंट खुले थे, शेयर माई स्क्रीन ये जरूरी नहीं है, ये ज्यादा एडोब से कनेक्टेड है, क्रिएट ए न्यू रिव्यू, इसको क्लिक करके देखते हैं। ये सारा एडोब से कनेक्टेड चीजें, साइन इन होना पड़ेगा वगैरह वगैरह, ये हमारे उसकी चीजें नहीं है, डिवाइस सेंट्रल की, उसी से क्लोज क्लोज हो गया। अगर एक से ज्यादा, मिसाल के तौर पर एक से ज्यादा चीजें खुली हुई हैं, ओपन मुख्तलिफ चीजें खोल देते हैं, अब यहाँ पर क्लोज ऑल करते हैं, सब चीजें गायब हो गई। तो ये क्लोज ऑल का ऑप्शन ये, और ज्यादातर ऑप्शन जब काम करते हैं जब आपने कोई चीज खोली हुई होती है। अब हमने ये मैप इसको खोला, यहाँ पर सेफ का ऑप्शन इसलिए कि नहीं, ऑलरेडी हम उसको लर्निंग उसके सामने सेव कर चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट फाइल जो होती है वो सेव पर होती है। जो अब ये जो फाइल जो सेव करेगा, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस, या आप यहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जाकर इसको जब सेव करेंगे तो सेव एस पे आप कोई और नाम देकर, आपको मैप जैसे इसका नाम आ रहा है, हम कि मैप ऑलरेडी नाम है तो मैप टू करके इसको सेव कर देंगे। तो ये सेव कर देंगे, माइक गिर गया था। तो ये यहाँ पर साइज मांग रहा है, लार्ज भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, और बेस लाइन ऑप्टिमाइज पे भी कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव पे भी कर सकते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। मैं स्टैंडर्ड पे ही रखूंगा और इसको ओके कर दूंगा। सेव हो गया, सेव फॉर डिवाइस, वेब एंड डिवाइस, ज्यादातर जब मुझे होता था जब कोई आई मीन एनिमेशन वगैरह बनाते हैं। प्लेस का ऑप्शन भी देख लेते हैं, प्लेस का ऑप्शन भी सेम है, इंपोर्ट करने का चीज, जो भी चीज है, अब मैप है हमने प्लेस किया, तो इधर ये एक और फाइल देखें, यहाँ पर एक और लायर बना दी, और ये ऑलरेडी जो कि है ट्रांसफॉर्म होकर ये हमारे सामने एक इमेज आ गई, इसको नो कर दें। यानी कोई भी चीज, कोई बड़ी फाइल है तो वो प्लेस करने से ये कि एक मुनासिब साइज में आपकी उस मतलब जगह पर आ जाएगी। इस इम्पोर्ट में ज्यादातर वीडियो के ऑप्शन है, वीडियो इम्पोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट भी उसी के लिए है, इलस्ट्रेटर वगैरह के लिए जो चीजें हैं, और बाकी और भी ऑप्शन है तो हम उसपे उसको, क्योंकि और ऑप्शन ऐसे हैं कि ना उसपे आपको बनाना टाइम लग जाएगा, तो अभी फिलहाल जो स्टार्टिंग बिगनर्स के लिए, उनके लिए इतना ही काफी है। फिर एडिट में जब जाते हैं, एडिट में जाते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास ऑप्शन आते हैं। अगर इस एडिट में जाते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर देखें अभी न्यू लायर जब हम लेंगे, उसके बाद एडिट में जाएंगे, अब इसमें लिखा हुआ है अनडू न्यू लायर, जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो उसने वापस बैक पे चला गया। अब हमने दो न्यू लायर ली, अब देखें स्टेप बैकवर्ड के लिए लिखा हुआ है, एक तो हम यहाँ से भी इसको एक स्टेप
बैक पे जा सकते हैं और ALT कंट्रोल Z से भी जा सकते हैं, जो कीबोर्ड की कमांड्स भी साथ साथ दी हुई है। तो हम अभी इसको देखें, दो स्टेप वो पीछे चला गया, इसी तरह ये ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप ये आपको पीछे ले जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप कमांड पे कंट्रोल रखें और स्टेप फॉरवर्ड करेंगे तो दोबारा वो जो सा आपने वो किया था वापस आ जाएगा, इसी तरह ये बैक पे चला जाएगा। इसी तरह देखें, जब जो ऊपर एडिट में अभी जो ये टूल्स आपके पास शो नहीं हो रहे, लेकिन जब आप इस टूल्स को यहाँ सर ये रेक्टेंगुलर मार्कर टूल को जब सिलेक्ट करेंगे, देखें आप, अब ये देखिए कट का ऑप्शन भी ओपन हो गया और कॉपी का भी। कट का ये है कि ये यहाँ से इस जगह से चीज इसने कट कर ली, और दोबारा कंट्रोल वी करेंगे या एडिट में जाकर पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी देखें इस पर कमांड आ रही है, तो ये दोबारा वैसे ही इस जगह पर ये आ जाएगा। इसको दोबारा इसको आप चाहते हैं दोबारा ये कॉपी का ऑप्शन देखने के लिए दोबारा इस पे रेक्टेंगल पे क्लिक कीजिए, यहाँ इस एरिया को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप कॉपी पे क्लिक करेंगे, सॉरी ये यहाँ से सिलेक्ट नहीं है नीचे, क्योंकि हमने यहाँ एरिया पे किया है, इस पे नीचे यहाँ पर इस एरिया पे इस लायर को सिलेक्ट करने के बाद जब हम इस पे मार्केट टूल के जरिए से एरिया सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल सी भी कर सकते हैं, एडिट में जाके एडिट में जाकर भी कॉपी कर सकते हैं, फिर कंट्रोल वी या एडिट में जाके पेस्ट कर सकते हैं। तो ये पेस्ट करेंगे तो देख एक और हमारे पास, देखें ये एक और हमारे पास ये आ गया। अब ये जो सी लायर से एडिट में जाएं और स्पेशल पेस्ट का भी मैं बताता हूँ आपको, इससे पहले देखें अगर हम दो लायर सेलेक्ट करेंगे एडिट में जाएंगे तो ये देखें इसमें कंट्रोल ई जब हम करेंगे तो ये लायर मर्ज हो जाएंगी, और मर्ज लायर का कॉपी मर्ज, और ज्यादा लायर्स को मर्ज करने के लिए शिफ्ट पर कंट्रोल प्लस सी होता है, लेकिन वो ज्यादातर बहुत सारी लायर्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये करने के बाद अब आप देखें इसमें एक स्पेशल पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो स्पेशल पेस्ट का ऑप्शन रेक्टेंगुलर, इसको पहले ये देखें इन दोनों को ई कंट्रोल ई सिलेक्ट करके कंट्रोल ई करें और इधर से ये एरिया काट लें और कंट्रोल एक्स कर दें इसको। कंट्रोल एक्स करने के बाद अब देखें ये एरिया समझ लें आपके पास खाली है, अगर यहाँ पर हम इसको कंट्रोल जे करें पहले और इसको हाइड करें, यहाँ से एडिट में जाइए, फिल में जाएं, स्ट्रोक दे दें इसको तकरीबन 3, और यहाँ पर इस एरिया को, अब इस एरिया को सिलेक्ट किया हमने, इस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद एडिट में जाएं और स्पेशल और पेस्ट इन टू ALT प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल वी, और जब ये सेकंड पे क्लिक करेंगे तो ये इसके अंदर एक मास्क बनाकर आपको ये देखें, उमूमन कोई टीवी के अंदर आप किसी की तस्वीर इस तरह मर्ज करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं, ये देखें ये इसके अंदर मास्क बनाएगा, तो इसके लिए आसानी से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इस टूल का है, फिल का भी है। अब ये हमारे पास ये समझ लें एक मास्क है, अप्लाई लायर मास्क कर सकते हैं। अप्लाई लायर मास्क करने के बाद अब ये एरिया हमारे पास अलग है, ये देखें ये एरिया अलग है, इसमें एडिट में जाइए, फिल में जाइए, फिल में जाके फोरग्राउंड कलर्स, अब फोरग्राउंड कलर्स कौन से हैं आपके, यहाँ से देखें जब आप कर्सर इस पे लेकर जाएंगे, आपको यहाँ से बताता हूँ, अभी यहाँ से शो नहीं हो रहा, ये देखें सेट फोरग्राउंड कलर्स और सेट बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर हमारे पास ब्लैक है, तो हम फिल में जाएंगे, जब इसको ओके करेंगे तो ये पूरा उस पर उस एरिया को जो कि उस लायर को पूरा फिल कर देगा। कंट्रोल जी से हम दोबारा, अगर सिर्फ इसी को हम करना चाहते हैं तो दोबारा एडिट में जाए, फिल में जाए, और उस एरिया को उसने फिल कर दिया। अब एडिट में जाइए, स्ट्रोक पे क्लिक करें, अब हम चाहते हैं कि यहाँ से फिल
पिक्सल का स्ट्रोक दें और कलर उसका रेड हो, इसको ओके कर दें। सेंट्रल में हो, साइड में हो, आउटसाइड पे हो, ये आपकी मर्जी, हम आउटसाइड पे कर देते हैं। ब्लेंडिंग मोड को चेंज करने की जरूरत नहीं, आपकी मर्जी है, ओके करेंगे तो देखें इस तरह का ये बॉर्डर बना देगा। ये बॉर्डर आप मजीद बड़ा भी कर सकते हैं, स्ट्रोक पे क्लिक करें और 25 पे कर दें और कलर चेंज कर दें और ये बॉर्डर बड़ा भी हो गया। और आज इतनी समझने की चीजें हैं, इसमें और भी ऑप्शन है, जो इजी ऑप्शन है वो मैं पहले बताने की अभी कोशिश कर रहा हूँ। अब इसी तरह फ्री ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है, ये कंट्रोल डी करें और एडिट में जाइए, फ्री ट्रांसफॉर्म। जब आप फ्री ट्रांसफॉर्म पे स्केल पे करते हैं तो इस तरीके से ये बॉर्डर बने हुए आ जाते हैं। जब हम यहाँ पर मुख्तलिफ इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको इसको रीसाइज वगैरह कर सकते हैं, और एडिट में जब ट्रांसफॉर्म में रोटेट पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का देखें, ये डबल एंगल करके आएगा, हम इसको घुमा सकते हैं। और एडिट में जाइए, ट्रांसफॉर्म में देखें स्क्यू, स्क्यू ये मखसूस एरिया को छोटा करना, उस एरिया को जो साइड हैं स्पेशली उनको रोड टाइप जैसे बनाना चाहते हैं आप, इसको देखें और इस तरीके से ये, और ये करने के बाद आप ट्रांसफॉर्म में इसी तरह डिस्टॉर्ट टूल है इसको करेंगे, ये इस तरह बैठ जाएगा। इस तरह मुख्तलिफ चीजें आप किसी के साथ बिठाना चाहते हैं, जैसे रोड वगैरह है तो हम ये नहीं करना चाहते, हमने अंडू किया। फिर कंट्रोल टी की भी इसकी जो स्मॉल सॉरी वो कमांड है, पर्सपेक्टिव टूल्स है, ये भी सेम है, बस ये कि ये दोनों एरिया को आपको यूं करके बताएगा, ये साइड के भी कर सकते करता है। और कंट्रोल जी एडिट में जाए, फिर अब वर्क टूल है, ये बहुत ही जबरदस्त टूल है, और ये देखें ये इस तरह का ये एरिया सेलेक्ट हो गया। फिर इसके ऑप्शन यहाँ खुलते हैं जिसमें आप मुख्तलिफ डिजाइन बना सकते हैं, ये देखें ये मुख्तलिफ चीजों के आप साइज दे सकते हैं। और फिश देखें, इसमें फिश है, ये अगर आप इसको 100% में करेंगे तो ये बिल्कुल गुंबद की तरह आपको ओके करेंगे, जब एडिट में जाके इसको 90 पे करेंगे तो ये देखें ये आपके पास बन गया। कंट्रोल एल टी जेड से वो स्टेप बाई स्टेप ये बैक पर आ जाएगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, अगर आप मिसाल के तौर पर पिलर बनाना चाहते हैं तो रेक्टेंगल मार्कर टूल से इस तरह ये सिलेक्शन लें और न्यू लायर लें और ALT बैक स्पेस करें, कलर भर दें और इसमें राइट क्लिक करें, लायर में ब्लेंडिंग मोड पे क्लिक करें, यहाँ से पैटर्न पे क्लिक करें, कोई भी पैटर्न लें, ओके करें। ओके करने के बाद अब आप दोबारा कंट्रोल टी करें, यहाँ पर वर्क टूल पे क्लिक करें, वर्क टूल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सॉरी पिलर बनाने के लिए दूसरा तरीका था, ये मैं इसी के बना रहा हूँ, ये 100% पे क्लिक कर रहे हैं इसको, ये उसी तरह जो मत बनाया था। तो इसको पिलर अगर आपने बनाना है तो एक मिनट में आपको तरीका बताता हूँ। ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करें और यहाँ पर ये जो सी इस तरह के जो ग्रेडियंट होते हैं कोई भी कलर हो उसको सिलेक्ट करें और इसको अब देखें, अभी तो ये एक किस्म की पट्टी सी बन गई, लेकिन ये है कि ये आप जब राइट इसको 90 पे करेंगे तो ये आपको पिलर की शेप दे देगा। पिलर की शेप कैसे के देगा, कंट्रोल टी करें, इसको थोड़ा सा मूव करें, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल अभी क्योंकि ये इस पे जब तक अप्लाई नहीं होगा तो ये आपको वो नहीं देगा, तो इसलिए राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मॉल ऑब्जेक्ट करें, एडिट में जाएं और इसको 90 पे क्लिक कर दें तो ये आपके पास आ जाएगी चीज। और इसी तरह आप मुख्तलिफ कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा छोटा कर लें, ALT से ड्रैग करेंगे, ALT प्रेस करके जब आप उसको करें, कंट्रोल जे से भी कॉपी कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीजें आप इसमें बना सकते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त टूल है
और इसमें हॉरिजेंटल वर्टिकल फ्लिप, ये तो आप पढ़ चुके हैं, सॉरी पहले पता ही होगा कि किस तरह उसको मुख्तलिफ एंगल चेंज करने के लिए इसकी जो मतलब ये टूल इस्तेमाल होते हैं। और एडिट में ये फिर डिफाइन ब्रश है, डिफाइन पैटर्न है, यानी आप इसको इसको ब्रश बनाना चाहते हैं। देखें ये ब्रश, ये जो चीज है, ये चीज़ें ऐसा ब्रश सेव हो जाएगी आपको, जब आप इसको ओके कर देंगे, सेव करेंगे, तो ये ब्रश के टूल है, ये इसको यहाँ से, ये ब्रश के टूल है, यहाँ से जब देखेंगे तो ये आ जाएगा। मैंने सेव नहीं किया कि इसलिए नहीं आया। तो ये आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कवर करें नेक्स्ट वीडियो में, हम कोशिश करेंगे मजीद टूल्स कवर करने की। अल्लाह हाफिज़।